गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल की कक्षा में आपने इंसर्ट मेनू के बारे में सीखा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले वीक के पहले क्लास में आप कुछ नया सीखते हैं और उसके दूसरे क्लास में उसका रिवीजन करते हैं। इसलिए आज की कक्षा में आप सभी पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि पेज ब्रेक से क्या होता है? पेज ब्रेक से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज को आप उस जगह से ब्रेक कर सकते हैं जहां पर आपका कर्सर होगा और उसे दो भागों में डिवाइड कर देगा। क्या आप बता सकते हैं कि फील्ड से क्या होता है? फील्ड से आप अपने राइटर के पेज पर बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि डेट, टाइम, पेज नंबर, टाइटल, ऑथर नेम इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हाइपरलिंक से क्या होता है? हाइपरलिंक से आप अपने पेज पर एक लाइन के द्वारा किसी प्रकार की फाइल को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में एक से अधिक फाइल को ऐड कर सकते हैं और उन्हें एक साथ उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हेडर फुटर से क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हेडर से आप पेज के टॉप में टाइटल लिखने का काम आता है। आप हेडर के द्वारा पेज के टॉप पर डेट, अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की हेडिंग दे सकते हैं और फुटर से पेज के बॉटम में यानी कि पेज के नीचे वाले हिस्से में पेज नंबर, समरी और भी बहुत कुछ टाइप कर सकते हैं जिससे आपको इंसर्ट करके दिखाना होता है। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो वीडियो के द्वारा से ओपन करें। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से स्टार्ट बटन को दबाकर रखें और फिर राइट हैंड की एक फिंगर से आर के बटन को एक बार दबा दें। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे रन कमांड बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में आप बिना किसी स्पेस दिए दिखाए जा रहे वीडियो की तरह एस ऑफिस टाइप करें। और फिर ओके बटन पर माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें। एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसे आप क्विक स्टार्ट विंडो कहते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें, जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आपने पैराग्राफ को टाइप कर लिया है? अब आप इंसर्ट मेनू के एक-एक ऑप्शन का अभ्यास करेंगे। अब आप टाइप किए गए पैराग्राफ को दो भागों में ब्रेक करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि मैनुअल ब्रेक का उपयोग कैसे करते हैं। मैनुअल ब्रेक के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को या उससे पहले ये देख लें कि आपको लाइन ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है या पेज ब्रेक करना है। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आप अपने पॉइंटर को उस लाइन के पहले या आगे रखें जिस लाइन को आपको ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, पॉइंटर को इस लाइन के पास इसके आगे यहाँ पे रखा गया, क्लिक कर दिया गया जिससे कि कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, फिर मैनुअल ब्रेक पे क्लिक किया। अब इसके अंदर तीन ऑप्शन, लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक। क्योंकि हमें लाइन ब्रेक करना है तो हम लाइन ब्रेक को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से लाइन ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक आपके उस लाइन से शिफ्ट होके नेक्स्ट लाइन में चली जाती है, यानी कि अगले लाइन में वह लाइन चली जाती है। तो इस तरह से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक से अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट पे लेकर आए, पेज ब्रेक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है और ओके कर दें। तो अब देखें कि बाकी की जो लाइन थी कर्सर के आगे वह शिफ्ट होकर दूसरे पेज पर चली गई क्योंकि हमने पेज ब्रेक किया है।
लाइन ब्रेक से क्या होता है कि आपका कर्सर जहां पे होगा उसके आगे के लाइन नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि चली जाती हैं। तो इस तरह से आप मेनू, अब आप सभी हेडर में अपना नाम टाइप करें और साथ में डेट भी इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हेडर का उपयोग कैसे करते हैं। हेडर करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट ऑप्शन पे लेकर आए, उसके बाद हेडर पे ले जाएं, फिर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें, जिससे कि हेडर आपके पेज के ऊपर वाले हिस्से में इंसर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप अपना नाम टाइप करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को बीच में लेकर आने के लिए या तो स्पेस बार की का उपयोग करें या फिर टैब बटन का उपयोग करें। उसके बाद आप फिर से इंसर्ट में जाएं, फील्ड्स के अंदर और डेट इंसर्ट करें। इस प्रकार से आप हेडर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप किसी एक फाइल को हाइपरलिंक के मदद से ओपन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हाइपरलिंक का उपयोग कैसे करते हैं। हाइपरलिंक का उपयोग करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट ऑप्शन पे लेकर आए, यहां पर क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट, मेल, न्यूज, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। इनमें से डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन फाइल पे, जिससे कि फाइल के लोकेशन ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यह देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट किस लोकेशन पे है, डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड्स में है या डॉक्यूमेंट्स में है। अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर है तो डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ड्रॉप डाउन करके आप अपने फाइल को ढूंढेंगे और फिर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि वह फाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल का लोकेशन आपके हाइपरलिंक के इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई कर दें, फिर क्लोज कर दें, जिसके बाद ऐसा आपके राइटर के पेज में आएगा। इस एड्रेस को ओपन करने के लिए आप सभी कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और फिर टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर 2 सेकंड के लिए छोड़ दें, जिससे कि यह फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। अब आप अपने पेज में फुटर का उपयोग करके पेज नंबर को इंसर्ट करके दिखाएं। ध्यान रहे कि पेज नंबर फुटर के बीच में आना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फुटर का उपयोग कैसे करते हैं। फुटर के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को इंसर्ट ऑप्शन पे लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फुटर पे ले जाएं और फिर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें, जिससे कि फुटर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फुटर पेज के नीचे वाले हिस्से में इंसर्ट होता है। इसके अंदर आप समरी या पेज नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको पेज नंबर देना है, इंसर्ट पे जाएं, फील्ड्स पे क्लिक करें और फिर पेज नंबर पे क्लिक कर दें, जिससे कि पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपका पॉइंटर ऐसे पेज के बीच में या फुटर के बीच में नहीं आ रहा है तो फुटर के अंदर क्लिक करके टैब बटन का उपयोग करें, जिससे कि आपका कर्सर फुटर के बीच में आ जाएगा। अब देखें कि आपका फुटर के अंदर पेज नंबर इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप फुटर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप एक स्टार बनाएं और फिर लाइन और फिलिंग टूल बार के सभी ऑप्शन के उपयोग करके दिखाएं।
आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ड्राइंग टूलबार का उपयोग कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को ड्राइंग टूलबार के अंदर लेके आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद स्टार को सिलेक्ट करें और फिर उसे अपने राइटर के पेज पर ऐसे ड्रैग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे आप ड्रैग करेंगे आपके स्क्रीन पर ड्राइंग टूलबार के फॉर्मेट आ जाएगा। आप वहां से अपने इस शेप्स का जो आपने ड्रैग किया है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके आउटलाइन के शेप्स को चेंज कर सकते हैं, उसके लाइन के विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहां से आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे इसे ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करें, यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें, वह आपके स्टार के आउटलाइन का कलर हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपको स्टार के अंदर का कलर फिल करना है या चेंज करना है तो एरिया लिखे हुए इस ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कलर हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें और फिर ओके पर क्लिक कर दें तो वह स्टार के अंदर कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ड्राइंग टूलबार का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह फाइल सेव करनी है इसलिए आप इस फाइल को डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस फाइल को सेव कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आप अपने फाइल को सेव दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेनू बार के फाइल ऑप्शन से जाकर और दूसरा शॉर्टकट कमांड का उपयोग करके। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आए, यहाँ पे अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद सेव लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को ले जाएं और फिर क्लिक कर दें। उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर अब आपको यह देखना है कि आपको अपने फाइल को कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप पे करना है, रिसेंट प्लेस में करना है, डाउनलोड्स के अंदर करना है या कहाँ पे? इसे आप ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं या ड्रॉप डाउन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना है इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, फिर बैक स्पेस का उपयोग करें जिससे कि अनटाइटल्ड वन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अब आप अपना नाम टाइप करें, नाम को टाइप करने के बाद अब आप सेव लिखे हुए ऑप्शन पे क्लिक कर दें जिससे कि यह आपकी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगी। अब आप टाइटल बार के अंदर देख सकते हैं कि आपका नाम आ गया होगा जिस नाम से आप इस फाइल को सेव किए होंगे। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एस होता है। अब आप सब अपनी फाइल को क्लोज करें क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शटडाउन करें। आज की क्लास में आपने इंसर्ट मेनू के कुछ ऑप्शन का अभ्यास किया, जैसे कि मैनुअल ब्रेक क्या होता है, फील्ड का उपयोग क्यों करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, हेडर और फुटर का उपयोग क्यों करते हैं और सबसे बाद में ड्राइंग की।